ये जो आप गीत गाते हैं वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं, मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने, इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। कहिए क्या क्या है? आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान है। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं, फिर भले ही आप मुझे फिर से नैनहीन कर दीजिए। आज की राजनीति यह कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें, उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं। अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद न किया जाए। उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा गुरु जी, ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मानव को ये सिखाना है कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। केवल राजनीति जीवन को पूरा नहीं करती, ना ही वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम।